हेलो फ्रेंड्स, टेक भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बताने वाले हैं जमीन का रसीद ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ, काफी सारे लोग जमीन के रसीद को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। रसीद ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सिंपल किसी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है बिहार भूमि, फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भू लगान करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन भुगतान करने का जो ऑप्शन दिया जा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं, अर्थात यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ रसीद डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल ऑनलाइन भुगतान करने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे एक फॉर्म खुल कर आएगा और इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जिला का नाम आएगा, तो आपका जो जिला का नाम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अंचल का नाम आ जाता है, तो आपका जो अंचल का नाम होगा उसको फिल कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे आगे बढ़े का जो ऑप्शन दिया जा रहा है इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे आपका हल्का का नाम आ जाएगा। हल्का का नाम मतलब आपके पंचायत का नाम होता है, इस पर क्लिक करेंगे। और जो आपका हल्का होगा अर्थात पंचायत होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मौजा का नाम आ जाता है, अर्थात आपका जो ग्राम पंचायत होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मांगता है कि भाग वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पे देखेंगे एक आता है पृष्ठ संख्या वर्तमान। अगर ये दोनों चीज़ आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे फिर से एक फॉर्म खुल कर आएगा, अर्थात यहाँ पे भी आपको सिंपल डिटेल सेलेक्ट करना, अर्थात जिला सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका जो अंचल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हल्का को आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मौजा का ऑप्शन आता है, अर्थात यहाँ पे गांव का नाम आता है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें से कोई आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जान सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे खाता नंबर या खेसरा नंबर याद रहता है, तो हम यहाँ पे खाता नंबर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे में यहाँ पे सुरक्षा कोड दिया गया, इसको यहाँ पे फिल करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं आपके खाता संख्या में जितने भी खेसरा संख्या होगा वो सब देखने को मिल जाता है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान देखने को मिल जाता है। अर्थात सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम देख लेना है, उसके पश्चात यहाँ पे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वर्तमान देख लेना है। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं और इसके बारे में पूरा विस्तार से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे देखे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। अर्थात यहाँ से आपको भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वर्तमान नोट कर लेना है, फिर आप बैक आएंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पे भाग वर्तमान फिर पृष्ठ संख्या वर्तमान डालकर यहाँ पे जो सुरक्षा कोड दिया गया इसको फिल करके खोजी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, फिर से इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। और यहाँ पे आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलत जानकारी यहाँ पे फिल मत कीजिएगा। अगर गलत जानकारी फिल करते हैं तो आपका डेटा खुलकर नहीं आएगा और आप यहाँ पे रसीद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक खाता संख्या में जितने भी खेसरा संख्या होंगे सबका नाम देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे अपना नाम देख लेना है कि आपका नाम कौन सा है, और उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे देखे का जो ऑप्शन दिया जाए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे लेटेस्ट समय में अर्थात अंतिम समय में जो जमीन का रसीद कटवाया होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहीं पे कॉर्नर में एक ऑप्शन देखे का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे आपका जमीन का रसीद देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में आपका पूरा जमीन का डिटेल्स दिया गया है, अर्थात यहाँ पे आपने जमीन का रसीद कब कटाया, कितना रुपया का कटवाया, ये सब यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है। अब इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरह का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। अर्थात यहाँ पे जो मैंने रसीद के बारे में बताया है यह सबसे लेटेस्ट रसीद के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उससे प्रीवियस अर्थात उससे पहले वाला रसीद को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे पिछले भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करके जो ऑप्शन दिया जा रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे प्रीवियस जितने भी भुगतान किए होंगे सबका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार का यहाँ पे डेटा अभी अपलोड किया गया, इस वजह से यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, किसी किसी का यहाँ पे तीन चार भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे समय अवधि दिया गया, आप समय अवधि के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। और जिसको आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे कॉर्नर सेक्शन में देखिएगा जो ऑप्शन दिया जाए इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे इसी तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे फिर से जमीन का रसीद देखने को मिल जाता है। फिर से इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ऊपर में पीडीएफ का ऑप्शन दिया जाए इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जमीन के रसीद को ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी से इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।